हेलो फ्रेंड, मैं संदीप मौर्य, आप सभी का स्वागत है क्रेजी नॉलेज में। तो आज के हम इस वीडियो में आप सभी को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताऊंगा जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हमारा पहला शब्द है अटल। अटल हमारा पहला शब्द है अटल। अटल का होता है जो अपनी बात से टले नहीं, जो अपनी बात से टले नहीं, जो अपनी बात से टले नहीं, उसे कहते हैं अटल। हमारा दूसरा शब्द है अमर। अमर अमर का होता है कभी ना मरने वाला। अमर का होता है कभी ना मरने वाला। तीसरा शब्द है अनाथ। तीसरा शब्द है अनाथ। तीसरा शब्द है अनाथ, जिसके माता पिता नहीं है। तीसरा शब्द है अनाथ। अनाथ का होता है जिसके माता पिता नहीं है। चौथा शब्द है अचल। अचल अचल का होता है जो चलता नहीं, जो चलता नहीं। अचल अचल का होता है जो चलता नहीं। पांचवा शब्द है अतिथि। अतिथि इसका होता है जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, जिसके आने की तिथि मालूम ना हो, उसे कहते हैं अतिथि। छह शब्द है अग्रज। अग्रज अग्रज का होता है जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो, बड़ा भाई। अग्रज अग्रज का होता है जिसका जन्म पहले हुआ हो, बड़ा भाई, उसे कहते हैं अग्रज। सातवां शब्द है अनुज। अनुज अनुज का होता है अनुज का होता है जिसका जन्म बाद में हुआ हो। अनुज अनुज का होता है जिसका जन्म बाद में हुआ हो, उसे कहते हैं छोटा भाई अनुज। आठवां शब्द है अपारदर्शी। आठवां शब्द है अपारदर्शी। अपारदर्शी अपारदर्शी का होता है जिसके पार ना देखा जा सके, जिसके पार ना देखा जा सके, उसे कहते हैं अपारदर्शी। नवां शब्द है अदृश्य। अदृश्य का होता है जो देखा नहीं जा सकता है। अदृश्य का होता है जो देखा नहीं जा सकता है। दसवां शब्द है देवनागरी। दसवां शब्द है देवनागरी। देवनागरी का होता है हिंदी की लिपि। देवनागरी का होता है हिंदी की लिपि। ग्यारह शब्द है जलचर। जलचर जलचर का होता है जो जल जल में चलने फिरने वाला हो, जो जल में चलने फिरने वाला हो। जलचर जलचर का होता है जो जल में चलने फिरने वाला हो।